हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शुमाइला बाय फूड विद शमी। टुडे रेसिपी इज पिज्जा ब्रेड बॉम्ब्स। सो लेट्स मेक विद मी व्यूअर्स। आज मैं पिज्जा ब्रेड बॉम्ब्स बनाऊंगी। ये बहुत टेस्टी होते हैं, इफ्तारी में आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने ये सारी सब्जियाँ चॉप्ड कर लिए मैंने, और ये शिमला मिर्च है चॉप्ड, टमाटर चॉप कर लिए बीज निकाल के पल्प, ये ऑलिव्स हैं स्लाइस्ड, ये चिकन है श्रेडेड बॉइल्ड, और ये प्याज चॉप कर लिए मैंने। फिर ये मैंने गार्लिक मायो ले लिए है 1/4 कप। ये मस्टर्ड है, डाइजन मस्टर्ड है, इसके आप सब्स्टिट्यूट आप पिज्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं। ये चीज़ है चटनी चीज़, ये स्लाइस है डबल रोटी के 10-12 पीस, इसके मैंने एजेस काट लिए थे। ये ब्रेड क्रम्स हैं। ये 2 अंडे ले लिए मैंने। ये काली मिर्च है 1 टीस्पून। ये सॉल्ट 2 टेस्ट है। अब मैंने एक बड़ा बोल लिया, इसमें सारी चीज़ें डालूंगी, चिकन डालूंगी, ऑलिव्स डालूंगी, ये चॉप्ड टमाटर डालूंगी, शिमला मिर्च डालूंगी चॉप्ड, प्याज डालूंगी चॉप्ड, इन सबको डाल के फिर इसमें मैं डाइजन मस्टर्ड डाल दूंगी, गार्लिक मायो डाल दूंगी, और ये चेडर चीज़ डाल दी मैंने जो मैंने ग्रेट किया था, ये नमक डाल दिया, काली मिर्च डाल दिया, और इन सबको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, ये अंडा लिया, इसे नमक डाल के मैंने बीट कर लिया, इसको एक साइड रख दूँगी। फिर ये स्लाइस एक लेके इसको मैं फ्लैटन करूँगी रोलिंग पिन से, बेलन से, किसी भी बोर्ड पे, क्योंकि एजेस भी मैंने फ्लैटन कर लिए। अब ये फिलिंग में हैंडफुल फिलिंग, फिर इसको मैं इस तरह का शेप दे दूँगी बॉम्ब्स की शक्ल में। देखिए किस तरह कर रही हूँ मैं, शेप देना अच्छे से। ये देखें मैंने बना लिया, इसको एक प्लेट में रखूँगी, बिल्कुल इसी तरीके से सारे बॉम्ब्स बना लूँगी। ये देखें दोबारा मैंने डबल रोटी को प्लेटिंग किया, फिलिंग की, इसको बम्स की चकल दे दी, और इसी तरह सारे बना लूँगी। और 15 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी इन्हें, और फिर निकाल के अंडों में कोट करूँगी, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। बिल्कुल इसी प्रोसेस से सारे बम्स को मैं कोट कर लूँगी, और एक प्लेट में रखे कोट कर लिए मैंने, और इनको मैं फ्रिज में डाल दूँगी। फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई, तेल हीट किया, और ये बॉम्ब्स निकाल लिए मैंने, और 1 बाय 1 करके मैं मीडियम फ्लेम रखूँगी, और इन बॉम्ब्स को डालूँगी ताकि जले नहीं, तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी जब तक ये गोल्डन कलर ना आ जाए। इसको फ्लिप करूँगी जेंट, फिर इनको देखें गोल्डन कलर आ गया, इनको मैं निकाल लूँगी, तेल सही से छान के निकाल लूँगी, और ये दूसरा बैच भी इसी तरीके से डालूँगी, और बिल्कुल इसी तरीके से फ्राई करूँगी और निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने सर्व कर दिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकअल्लाह।